गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो विद बबलिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 बायोलॉजी के, जिसका एक चैप्टर है थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि PMT, HTET स्क्रीनिंग टेस्ट, HTET, CTET, TGT, साइंस से रिलेटेड जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर इज सीन इन फीमेल। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो सिर्फ फीमेल में देखा जाता है? ऑप्शन ए इज मसल्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी इज मेमोरी ग्लैंड इज वेल डेवलप्ड, ऑप्शन सी इज वॉइस इज वेरी हैवी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेमोरी ग्लैंड इज नेमसेक ओनली। नेमसेक का मतलब होता है नाम मात्र। इसमें से आप देख सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड होती हैं जो फीमेल में, वो वेल डेवलप्ड होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज सीन इन मेल। मेल में आप इनमें से कौन सा कैरेक्टर देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मसल्स आर कंपैरेटिवली वीक, ऑप्शन बी इज वॉइस इज श्रिल, ऑप्शन सी इज वॉइस इज हैवी, ऑप्शन डी इज बियर्ड एंड मुस्टाक इज नॉट सीन। आप देख सकते हैं कि जो मेल के केस में मसल्स वीक नहीं होती, स्ट्रांग होती हैं। वॉइस श्रिल, श्रिल का मतलब हाईली पिच्ड, लाउड वॉइस नहीं होती है मेल की। वॉइस इज हैवी, हैवी होती है वॉइस, और बियर्ड एंड मुस्टाक इज नॉट सीन। मेल के केस में मूछ और दाढ़ियाँ नहीं होती हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी एंड सी, ये क्या है? इनकरेक्ट है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टेस्टिस आर सिचुएटेड। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन ए इज एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी इज डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी इज ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी इज स्क्रोटल सैक। जैसे कि हमें पता है कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होती है। स्क्रोटल सैक क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, पिगमेंटेड होती है, और इसके अंदर टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शन ए इज टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी इज एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इज प्रोजेस्टेरोन, एंड ऑप्शन डी इज रिलैक्सिन। जो फीमेल हार्मोन, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन आर ऑल फीमेल हार्मोन। ये फीमेल के हार्मोन होते हैं। रिलैक्सिन है पार्चुरेशन के, मतलब बर्थ गिविंग के बाद ये रिलीज होता है। एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो सिर्फ मेल का, जो मेल है, मेल के जो प्राइमरी ऑर्गन कौन से होते हैं? टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सीन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखी जाती हैं? ऑप्शन ए इज सेमिनल वेसिकल, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, डी ऑल ऑफ दीज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड होती है, तीन एसेसरी ग्लैंड होती है। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। सो ये तीनों ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का साइज क्या है? ऑप्शन ए इज 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, बी 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर, ऑप्शन डी इज 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर। ऑप्शन जो साइज ऑफ टेस्टिस क्या होता है? 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू सराउंड्स द टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए इज फाइब्रस टिश्यू, ऑप्शन बी इज स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम।
जो ऑप्शन सी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया इट सराउंड्स द टेस्टिस, सो द आंसर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है, इससे पहले हमने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो सकें। सो द राइट आंसर ऑफ द सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस आर लाइंड विद विच टाइप ऑफ सेल। सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है वो कौन सी सेल से कवर होता है। ऑप्शन ए इज जर्मिनल सेल, ऑप्शन बी इज ओनली जर्मिनल सेल, ऑप्शन सी इज सिर्टोली सेल्स एंड ऑप्शन डी इज ए एंड सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की जो सिर्टोली सेल्स हैं, इसका दूसरा नाम है नर्स सेल जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्म को। और जर्मिनल सेल्स क्या है, जर्मिनल सेल्स क्यूबॉइडल सेल होती हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को कवर करती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द टेस्टिस विच सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस में कौन सी सेल स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन ए इज जर्मिनल सेल्स, ऑप्शन बी इज एपिथेलियल सेल, ऑप्शन सी इज सिर्टोली सेल्स एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी। ए ऑप्शन डी इसका हो नहीं सकता क्योंकि सिर्टोली सेल्स हैं वो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, एपिथेलियल सेल भी इसका आंसर नहीं है। जो जर्मिनल सेल होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। इनमें से कौन सी सेल है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इससे पहले भी हमने बताया है कौन सी सेल है, दैट इज सिर्टोली सेल्स, दे आर नोन एज नर्स सेल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द टेस्टिस विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ऑप्शन ए इज सिर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी इज जर्मिनल सेल, ऑप्शन सी इज लेडिक सेल्स, ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। द राइट आंसर इज लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो स्पेस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस सेल का फंक्शन क्या होता है, दे रिलीज द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। अभी हमने बताया जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिसका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स, दे सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब एम्प्टी स्पर्म। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो हर एक लोब है वो स्पर्म को कहाँ एम्प्टी करती है, कहाँ खाली करती है। ऑप्शन ए इज वासा डिफरेंस, ऑप्शन बी इज वासा इफ्रेंशिया, ऑप्शन सी इज एपिडिडाइमस, ऑप्शन डी इज सेमिनल वेसिकल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो किस में ऑप्शन ओपन होते हैं, रेटी टेस्टिस। फर्दर वो जो फिर ये ओपन होते हैं वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया फिर एपिडिडाइमस एंड एपिडिडाइमस देन ओपन इनटू वासा डिफरेंस। सो द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज बी वासा इफ्रेंशिया। वेयर इज सिचुएटेड एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस कहाँ प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टेस्टिस, ऑप्शन बी इज अबव द टेस्टिस, ऑप्शन सी इज बिलो द टेस्टिस एंड ऑप्शन डी इज इंटरनल सरफेस ऑफ टेस्टिस। हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमें पता है कि टेस्टिस ये के चारों तरफ कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, एपिडिडाइमस। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टिस के एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस की लेंथ कितनी होती है, एपिडिडाइमस की लेंथ होती है 6 मीटर। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है और इसकी लेंथ होती है अबाउट 6 मीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस, इसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए इज टेम्परेरी स्टोरेज साइट, ऑप्शन बी इज फॉर द इमैच्योर स्पर्म कंप्लीट देयर मैच्योरेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी गेनिंग द एबिलिटी ऑफ स्विमिंग, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसका जो फंक्शन होता है स्पर्म को स्टोर करके भी रखती है, और जो इसकी टेल होती है, हमने तीन पोर्शन बताए थे इसकी, फ्रंट बॉडी और जो बीच का पोर्शन होता है नेक, और लास्ट में जो टेल होती है, टेल में क्या है, स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब ये वासा डिफरेंस में भेजने से पहले ये स्पर्म को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती हैं, और जिसमें इमेच्योर जितने भी स्पर्म होते हैं वो अपनी मैच्योरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और दे गेन द एबिलिटी ऑफ स्विमिंग, वो स्विम करने की एबिलिटी को गेन करते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वासा डिफरेंस फ्रॉम एपिडिडाइमस, जब स्पर्म वासा डिफरेंस एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए इज मेल इज नॉट सेक्सुअली स्टिमुलेटेड, बी मेल इज सेक्सुअली स्टिमुलेटेड, सी द वॉल ऑफ एपिडिडाइमस कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑप्शन फोर इज फर्स्ट बी एंड आफ्टर सी प्रोसेस अकर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज डी। इसमें क्या होता है, मेल इज पहले क्या है, मेल इज सेक्सुअली स्टिमुलेटेड एंड देन वॉल ऑफ एपिडिडाइमस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस में ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए इज 45 इंच, ऑप्शन बी इज 45 mm, ऑप्शन सी इज 40 cm, ऑप्शन डी इज 4.5 m। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 40 cm, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 40 cm। नेक्स्ट, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वासा डिफरेंस रन अपवर्ड फ्रॉम एपिडिडाइमस एंड एंटर द एब्डोमिनल कैविटी, किसके थ्रू वासा डिफरेंस रन करती है एपिडिडाइमस से बिफोर एंटरिंग द एब्डोमिनल कैविटी। ऑप्शन ए इज इजेकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन बी इनग्विनल कैनाल, ऑप्शन सी इज यूरेथ्रा, एंड ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करने से पहले इनग्विनल कैनाल के थ्रू पास करती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द डिस्टल एंड ऑफ वासा डिफरेंस इज एक्सपेंडेड एंड इन दिस रीजन इट ओपन्स, जो वासा डिफरेंस है, जो इसका डिस्टल एंड है, लास्ट एंड है, वो एक्सपेंड होता है और किसमें ओपन होता है। ऑप्शन ए इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी इज सेमिनल वेसिकल, एंड ऑप्शन डी इज इजेकुलेटरी डक्ट। जो वासा डिफरेंस है ये एक्सपेंड होके सेमिनल वेसिकल के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाती है, इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। इसके जो सेमिनल वेसिकल है उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और सबसे लास्ट में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये किसमें ओपन होती है वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन प्रेजेंट बिटवीन पार्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉल्ड। ऑप्शन ए इज इजेकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन बी इज डक्ट ऑफ यूरिनरी, ऑप्शन सी इज यूरिथ्रा, एंड ऑप्शन डी इज सेमिनल वेसिकल डक्ट। हमने बताया कि सेमिनल वेसिकल डक्ट और जो है किस रीजन में ये वासा डिफरेंस बाइंड होते हैं, दे फॉर्म द इजेकुलेटरी डक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्ट ऑफ विच ग्लैंड ज्वाइन विद यूरिथ्रा बिफोर इट पास थ्रू द पेनिस। यूरिथ्रा के साथ कौन सी ग्लैंड ज्वाइन करती है बिफोर इट इज पास थ्रू द पेनिस, पेनिस में पास होने से पहले इससे इमीडिएटली कौन सी, उससे पहले कौन सी ग्लैंड ज्वाइन करती है। ऑप्शन ए इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। हमें पता है सबसे ऊपर सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होती है, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और सबसे लास्ट में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, इसका दूसरा नाम है कोपर ग्लैंड, और इसका साइज क्या है, मटर के दाने जैसा होता है, पी साइज होता है इसका। और जो ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है इसकी लेंथ होती है 4 cm जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब इसको अगर स्ट्रेट कर दिया जाए तो इसकी लेंथ होती है 9 cm। सो
ये यूरिथ्रा में पेनिस में पास होने से पहले ये किसके साथ कंबाइन करती है, दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इन मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विच इज इनकरेक्ट। मेल जो मेल की जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उनके लिए क्या इनकरेक्ट है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जैसे कि हमें पता है तीन टाइप के एसेसरी ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल और कॉपर ग्लैंड। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर। सो द आंसर ऑफ 23rd क्वेश्चन इज यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमिनल वेसिकल आर लोकेटेड एट। सेमिनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन ए ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी नियर यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी इज बिसाइड यूरिनरी ब्लैडर। जो इसका राइट आंसर है दैट इज बी, ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का जो डिस्चार्ज होता है वो सीमेन का कितने परसेंट बनाता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी इज 65%। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 60% जो है सीमेन का सेमिनल वेसिकल के डिस्चार्ज से बना होता है। सेमिनल वेसिकल के डिस्चार्ज में क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है जो स्पर्म को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है, और ये क्या होता है अल्कलाइन होता है। ये जो फ्लूइड होता है येलोइश विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड होता है, और एक ये हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज नोन एज द प्रोस्टाग्लैंडिंस। ये हार्मोन क्या है जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से मेल जो स्पर्म है एंड ओवम क्या है मीट कर सके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेमिनल वेसिकल इज थिक एंड येलोइश सिक्रीशन। जैसे कि हमने बताया सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है थिक होता है, येलोइश होता है, वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। शुगर इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें शुगर भी प्रेजेंट होती है दैट इज फ्रक्टोज, एंड विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल के डिस्चार्ज में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। What is provided to sperm by the secretion of seminal vesicle? जो seminal vesicle है sperm को जो secretion होता है seminal vesicle का वो sperm को क्या provide करता है? Option A nourishment, option B activating, option C lubricant, option D A and C both। इसका right answer है nourishment, क्योंकि इसमें जो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, वेयर इज प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? ऑप्शन ए ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी पोस्टीरियर रीजन ऑफ यूरिनरी, ऑप्शन डी साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो द राइट आंसर इज पोस्टीरियर रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर लास्ट वाले रीजन में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जब आप इसकी वीडियो की डिटेल्स को देखेंगे जिसमें मैंने डायग्राम से सारा समझाया हुआ है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज प्रोवाइडेड टू स्पर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है स्पर्म को? ए न्यूरिशमेंट, बी एक्टिवेटिंग, सी लुब्रिकेंट, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। इसका द राइट आंसर इज एक्टिवेटिंग। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है स्पर्म को। जो ये सिक्रीशन होता है एसिडिक होता है और थिन होता है। ये जो स्पर्म को न्यूरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता था? सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वेयर इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लोकेटेड? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है कोपर ग्लैंड, ये कहाँ पर लोकेट होती है? ऑप्शन ए इज बीनीथ द प्रोस्टेट, ऑप्शन बी इज लेटरल साइड ऑफ यूरिथ्रा, ऑप्शन सी इज ओवर यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। द राइट आंसर इज डी, ये बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होती है और लेटरल साइड ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के साइड में प्रेजेंट होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। विच ग्लैंड सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती हैं? ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इन दोनों का सिक्रीशन क्या होता है? अल्कलाइन होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका सिक्रीशन स्लाइटली एसिडिक होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन? जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है उसका सिक्रीशन का क्या रोल है? ऑप्शन ए न्यूरिशिस द स्पर्म, ऑप्शन बी रोल इन एक्टिवेटिंग स्पर्म, ऑप्शन सी सर्व्स एज ए लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑप्शन डी एनहेंसिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। सो द राइट आंसर इज सर्व्स एज ए लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। न्यूरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता था? सेमिनल वेसिकल एक्टिवेट करता था। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती थी? स्पर्म को एक्टिवेट करती थी। और जो बल्बो यूरिथ्रल कॉपर ग्लैंड है वो क्या करती है? एक्ट एज ए लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये क्या है? न्यूट्रलाइज भी करती है, जो अगर यूरिथ्रा में यूरिन प्रेजेंट है तो ये उसको न्यूट्रलाइज भी करती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सीमेन? सीमेन किस किस चीज से बना होता है, किस किस चीज के मिक्सर से बना होता है? ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑप्शन डी ए एंड बी। सो द राइट आंसर ऑफ इज दिस डी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये स्पर्म से भी बना होता है सीमेन, और जो सिक्रीशन होता है, जो एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रीशन से बना होता है सीमेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ सीमेन? सीमेन का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 7.3 to 7.5, ऑप्शन बी 7.2 to 7.6, ऑप्शन सी 7.4 to 7.8, ऑप्शन डी इज 7.5 to 7.9। सो द राइट आंसर इज 7.3 to 7.5। जो पीएच होता है सीमेन का दैट इज 7.35 से 7.5 होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सीमेन फॉर ईच इजेकुलेशन? एक इजेकुलेशन में, वन इजेकुलेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज सिक्रेटेड? ऑप्शन ए 3 to 4 ml, ऑप्शन बी 3.5 to 4.5 ml, ऑप्शन सी 4 to 5 ml, ऑप्शन डी 4.5 to 5.5 ml। सो द राइट आंसर इज 3 to 4 ml। जो एक इजेकुलेशन एक बार में 3 to 4 ml ऑफ सीमेन इज सिक्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिलेंड्रिकल ऑर्गन इज लोकेटेड एट द फ्रंटल रीजन ऑफ स्क्रोटल सैक? जो हमारा स्क्रोटल सैक होता है, जो पिगमेंटेड पाउच होता है, उसके फ्रंट में सिलेंड्रिकल ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए एपिडिडाइमस, ऑप्शन बी वासा डिफ्रेंश, ऑप्शन सी पेनिस, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनली द पेनिस इज, जो पेनिस है इंटरनली कौन से टिश्यू से कंपोज होता है? ऑप्शन ए कंपोज ऑफ 3 cylindrical मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाउंड टुगेदर, ऑप्शन बी कंपोज ऑफ 3 cylindrical मास ऑफ टिश्यू बाउंड टुगेदर बाय द फाइब्रस टिश्यू, ऑप्शन सी कंपोज ऑफ 3 cylindrical मास ऑफ एपिथेलियम टिश्यू बाउंड टुगेदर, ऑप्शन डी कंपोज ऑफ 3 masses ऑफ टिश्यू ओनली। सो द राइट आंसर इज बी। इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 3 cylindrical मास ऑफ टिश्यू, इट इज सराउंडेड बाय द फाइब्रस टिश्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
When does the penis get erected? Penis कब erect होता है? Option A, if the mass of tissue filled with air. Option B, if the mass of tissue filled with blood. Option C, if the mass of tissue filled with hormones. Option D, both B and C. So the right answer is option B. जब ये direct contact में होता है, इसका जो पेनिस का जो स्पंजी टिश्यू होता है वो ब्लड कैपिलरीज के ब्लड साइनसिस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है. जब ये रिएक्ट होता है तो इट इज फिल्ड विद द ब्लड साइन आर्टीरियल ब्लड. इट इज फिल्ड विद द आर्टीरियल ब्लड. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. विच इज इनकरेक्ट फॉर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऑफ मेल. इसमें से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि हम मेल को कैसे पहचान सकते हैं, फीमेल से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इनकरेक्ट क्या है इन ऑप्शन में से? ऑप्शन ए, मेमरी ग्लैंड इज नेमसेक ओनली. ऑप्शन बी, वॉइस इज श्रिल. ऑप्शन सी, मसल्स आर स्ट्रॉन्ग. ऑप्शन डी, बियर्ड एंड मुस्टाक डेवलप. हम देख सकते हैं कि मेल के केस में मेमरी ग्लैंड भी नाम मात्र के लिए होती हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, बियर्ड एंड मुस्टाक भी प्रेजेंट होती हैं. बस क्या है, ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग है. क्योंकि उनकी वॉइस श्रील का मतलब होता है हाईली पिच्ड एंड लाउड. जो मेल की वॉइस होती है दैट इज रफ होती है और लाउड नहीं होती. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट करेक्ट. ए, ऑप्शन ए टेस्टिस स्क्रोटल सैक. बी, ओवरी अपर पेल्विक कैविटी. ऑप्शन सी, वासा डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट. ऑप्शन डी, फेलोपियन ट्यूब ओवुलेशन. इसमें बताया गया कि ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटल सैक के अंदर. टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटल सैक के अंदर. ओवरी है अपर पेल्विक कैविटी के अंदर. वासा डिफरेंस है किसमें प्रेजेंट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ मिलकर बनी होती है ये. लास्ट है जो फेलोपियन ट्यूब है ये ओवुलेशन. दिस पेयर इज नॉट करेक्ट. जब हम अगली वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को डिटेल से लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द आंसर इज ऑप्शन डी. द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑप्शन शोज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, जो कि जर्मिनल एपिथिलियम होता है उससे स्पर्म की फॉर्मेशन में जो भी प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑप्शन ए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए. इसमें क्या होता है, जर्मिनल एपिथिलियम जो है, जर्मिनल एपिथिलियम में इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स एंड इट अंडरगो माइटोसिस. इसमें माइटोसिस होती है जो गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम क्या है, सेल्स फिर इनलार्ज होती हैं दैट गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस होती है. मियोसिस के बाद क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं और उससे फर्दर स्पर्मेटिड बनते हैं. स्पर्मेटिड से फर्दर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं आपके पास और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ. नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम इसी टॉपिक के असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So thank you very much.